हेरा फेरी 3 को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। फिल्म शुरू होने से पहले ही फंस गई। आखिर किस कारण से हेरा फेरी 3 मुश्किलों में फंस गई है? खबरों की माने तो इस बार खुद अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। हेरा फेरी 3 का ऐलान होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हेरा फेरी 3 से जुड़ी कई खबरें वायरल हो रही थी। उनमें से एक खबर में कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 में काम करने के लिए करीब 50 करोड़ से ज्यादा की रकम मांग ली है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की इस मांग की वजह से फिल्म मेकर्स का बजट उनके हाथ से बाहर हो गया है और इस वजह से फिल्म की शूटिंग शुरू होने में ज्यादा समय लग सकता है। तो क्या सच में अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 के लिए इतने पैसे मांग लिए कि फिल्म मेकर्स ने हेरा फेरी 3 बनाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया? इस खबर पर जब हमें सूत्रों के हवाले से अपडेट मिली तो पता चला कि अक्षय कुमार और फिल्म के अन्य कास्ट से मेकर्स ने पहले ही पैसों को लेकर डील फाइनल कर ली है और सब कुछ फाइनल होने के बाद ही फिल्म मेकर फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 का ऐलान किया। इसके अलावा अक्षय कुमार समेत सारी लीड कास्ट फाइनल हो चुकी है। मेकर्स का कहना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी फाइनल हो चुकी है और जल्द ही वो फिल्म की शूटिंग शुरू करने का ऐलान करने वाले हैं। हेरा फेरी 3 से जुड़ी और भी कई अनाउंसमेंट्स मेकर्स करने वाले हैं। हेरा फेरी 3 से जुड़ी हर अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड कल्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।